दोस्तों क्या आप नहीं जानते हैं कि क्लैट का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, वो भी वैलिड? हाँ, और उसका एप्लीकेशन फी कितना है? और एक बात आपको बता देता हूँ कि हाँ, क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है क्या होता है, ऑनलाइन भरा जाता है। और हाँ, एक बार फॉर्म भर दिए ना तो उसके बाद पैसा दोबारा आना मुश्किल है, भूल जाओ, नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है लगता है हमें। ओके, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम अपलोड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाँ, कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्लैट का कौन कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट है जो आप एक बार में फॉर्म भरोगे और आपका पैसा बच जाएगा और आप सही तरीके से फॉर्म भरने पर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारे चैनल पर आपको क्लैट से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लेक्चर अपलोड हो रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड पर, उसके मैं क्लैट का प्रिपरेशन करा रहा हूँ धीरे धीरे करके। आप वीडियो जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फ्री में नोट्स भी मिल रहा है। ओके ना, तो प्लीज़ अभी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं आ गया YouTube पर आपको गाइड करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है, देखिए सबसे पहले ही क्लैट का जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लेके जाना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे। तो ओके बच्चे, तो बच्चे आपको क्या करना है कि आप सभी लोग जो है एक वैलिड ईमेल आईडी बना लीजिए। अभी तो हर बच्चे के पास अपना अपना ईमेल आईडी होता है, आपको फोन लेके जाना है। ओके ना, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास अभी फोन नहीं है। ओके ना, अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, बच्चे भी एडवांस हो चुके हैं, तो आपके पास तो फोन होगा ही। आप फोन है तब ना आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हो। ओके ना, इसीलिए देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा तो उसमें क्या करना है, आपके पास जब एप्लीकेशन फॉर्म जो भराता है उसमें आपको ध्यान देना होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे बच्चे, तब तक वो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा ही नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद फोन नंबर, तो ये आपको लेके जाना है वहां पर। ओके ना, और जाने के रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे का जो फॉर्म होता है वो बाद में खुलता है, उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है आपको। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ही आगे का प्रोसीजर खुलता है। तो आगे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा वो सब कुछ लेके जाना है, परेशान ज्यादा नहीं होना है। ओके ना, पहला चीज कि आपके पास तो क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए विथ प्लेन बैकग्राउंड। तो आपका जो फोटो होगा इस तरह का पासपोर्ट साइज का फोटो होगा, ये आप हो जाएंगे, ठीक है ना, आप नहीं है, ठीक है, ऐसा बना रहा पिक्चर। तो और इसका बैकग्राउंड जो पिक्चर होगा वो क्या प्लेन होगा, ऐसा नहीं कि हम सेल्फी लिए ऐसा ऐसा करके और फोटो हम डाल दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा आप डालेंगे रिजेक्ट भी हो सकता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा पैसा, ठीक ना, वो रिफंडेबल नहीं है। मान लीजिए नहीं एक्सेप्ट नहीं किया तो बड़ा दिक्कत है, इसीलिए हमेशा एक अच्छा फोटो देना है आपको, प्लेन बैकग्राउंड फोटो आपको देना है। ओके बच्चे, इस बात का याद रखना। और हाँ, सिग्नेचर, और अपना जो साइन करोगे तो वहाँ पर आपको साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर मांगता है, जैसे कि मेरा नाम कामेश है तो मैं यहाँ पे लिख दिया कामेश, ठीक ना, तो ये क्या होगा, इसको सिग्नेचर ये स्कैन करेगा तो वहाँ पे आपको अपना साइन भी करना है और वो स्कैन कर देगा, वो क्या करता है कैफे वाला काम कर देता है, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। ओके ना, बड़ा इशू नहीं है, आपको साइन भी करना पड़ेगा। ओके, उसमें ध्यान देना है कि आपका जो है कौन एक और डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको लेके जाना है। वो क्या है आपका, ठीक है ना, सर्टिफिकेट जो होगा जैसे कि आप जो रिजर्व कैटेगरी में, अगर आप रिजर्व है, ठीक है, आरक्षण आपको मिला हुआ, उसका फायदा उठाने के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST SC OBC, तो ये आपको सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना है, क्योंकि इससे आपको बहुत बाद में बहुत बेनिफिट होता है। तो अभी जिस बच्चे के पास भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवा लीजिए जल्दी से, ताकि आप फॉर्म भर पाओ, इसीलिए आपके पास ये होना चाहिए। समझ गए बच्चे लोग, ठीक है, अब लोग ठीक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या होगा, देखिए जेंडर OBC PWD एंड ANRI, ठीक है, उसके लिए जो आपका मार्क्स जो होना चाहिए, इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका मार्क्स 12th में 45% होना चाहिए, 45% होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे। और डेफिनेटली हर बच्चे लिए आते हैं 45%, ऐसा नहीं कि नहीं ले पाओगे, 45 नहीं ले आओ तो बड़ा दिक्कत है, तो बहुत कम मार्क्स है, इतना में आप अप्लाई कर सकते हो। और ST SC के जो बच्चे होते हैं वो 40% के हैं, ठीक है, 40% के, अगर आपका 39 में हो जाएगा तो भूल जाइए कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। तो समझ लीजिए 40% आपका होना चाहिए। ओके, ST SC का कम है, 5% कम लाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, बेनिफिट क्या है इसका, कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो फी है वो क्या होगा, जैसे कि जेंडर कैटेगरी OBC PWD NRD, तो ऐसा NRI, इसके लिए 45% था, तो उनका जो एप्लीकेशन फी होगा वो 4000 रुपया है आपको देना पड़ेगा। 4000 बड़ा अमाउंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, फॉर्म को बहुत अच्छे से भरना है, क्योंकि पैसा आप
वापस नहीं होगा, मनी वापस दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, ओके ना। तो इसीलिए ये जो हो गया कितना, इस कैटेगरी के जो बीसी आते हैं जनरल बीसी, ठीक है, तो उसके 4000 देना पड़ेगा। और जस्ट अपोजिट देखिए 500 कम कर दिया, ये देखिए एसटीएससी लोग, एसटीएससी जो है उनका एप्लीकेशन फी जो होगा वो 3500 रुपये लगेगा, 3500 रुपये लगेगा उनका, ओके ना, 500 उनका कम है। तो देखिए डिफरेंस देखिए कैटेगरी का, ऐसा हमारा इंडिया है भाई, अभी सब इक्वल नहीं है। बात करते हैं इक्वालिटी का, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी तो है ही नहीं सर, ओके, रिजर्व है, किसी को देना पड़ रहा है 4000, किसी को देना पड़ रहा है 3000 रुपया, ये क्या है, इंडिया है, देना पड़ेगा, कोई दिक्कत है, जब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा ऐसा चलता रहेगा, ओके ना। उसके बाद देखिए 10 उसका 10th एंड 12th का मार्कशीट जो है वो आपके पास होना चाहिए बच्चे लोग, ठीक है, 10th और 12th का वो अप्लाई करते समय वो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो आपको वहाँ पे डालना है, ठीक, स्कैन करना है, तो ये मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा ओरिजिनल अपना, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाइएगा। उसके बाद जो बच्चे अभी 12th क्लास में है लेकिन वो अपीयर नहीं हुए, उनका मार्कशीट कैसे आएगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो उनके पास एक ऑप्शन होता है, उनको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं, वो अपीयरिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12th का मार्कशीट नहीं आया है तो हम नहीं भर पाएंगे, तो बच्चे आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है, यहाँ मैम, ओके ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो चुका है, ओके, अब हम बात करते हैं जैसे कि पीजी के लिए, मैं बात कर रहा था यूजी के लिए बात कर रहा था ऐसा, ठीक ना, यूजी के लिए बात कर रहा था, तो ये पीजी के लिए, पीजी में जो होता है जिसको एलएलएम करना होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो क्लैट का जो होता है बीएलएलबी, ठीक है, बीएलएलबी, ठीक है, जो फाइव ईयर्स कोर्स, फाइव ईयर्स का जो कोर्स होता है उसके लिए ये अंडर ग्रेजुएट जो होता है, और जो जो एलएलबी करना, एलएलएम करना चाहते हैं, मास्टर एलएलएम, ठीक ना, एलएलएम करना चाहते हैं उनके लिए होता है ये डिग्री, मतलब उनको एलएलएम एलएलबी करना पड़ेगा, उस बात कोई एज लिमिट नहीं है। और हाँ, उनका जो क्या कहते हैं, उनका 50% जो मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, आपका एलएलबी में, और ओके, किसके लिए, ये कैटेगरी के लिए, इसका मैं इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी एनआरआई उसके लिए 50% है और 45% एसटीएससी के लिए है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सो गाइस, आपने जाना कि हाँ कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और साथ ही कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है, कितना डिफरेंस है भाई, ही एकदम पूरा, ओके, तो हमेशा आप किसी भी तरह कोई डाउट्स हुआ, क्लैट्स रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो अभी हम लोग हमारा चैनल विजडम अपलोड हो रहा है, फॉलो करिए, किसी तरह का कोई डाउट्स हुआ तो कमेंट करिए बच्चे लोग, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पर, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ, इसीलिए आया हूँ, ओके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम अपलोड के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाय बाय।